आइए देवी जी, अब पता चलेगा आपको कौन बनेगा टेंशन फ्री पे, कितना मजा आता है। वहां पे बैठ के बहुत आसान होता है। सर, कैसा लग रहा है अभी? बहुत डरी हुई हूँ एक्चुअली। मेरे को लगता है कि स्क्रीन के बाहर बैठ के देखना बहुत आसान होता है, हमें लगता है कि फटाफट इसका भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। क्यों नहीं, अभी अभी अब जवाब देना पड़ेगा आपको। तो चलिए देवी और सज्जनों, कविता जी हमारे साथ है और हम इनके साथ खेलेंगे कौन बनेगा। थोड़ा सा पर्सनल है, चलेगा? अच्छा पर्सनल है, क्या पूछने वाली हूँ मैं? डर लग रहा है मुझे ऐसे में से कुछ पूछ जाना। कोई बात नहीं है, सबके सामने पूछ सकती हूँ। सबके सामने पूछ सकती है, लेकिन वो कैमरा ऑन है और घर में मैडम जी देख रही है। कुछ नहीं बोलेंगी मैडम जी। पक्का? मेरा सवाल ये है सर कि आप हमेशा इतनी सारी मूवीज करते हैं, केबीसी करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो मतलब शूट में कभी कभी लेट भी हो जाता होगा? कई बार होता है। तो जब आप लेट से घर जाते हैं तो मैडम जी का क्या रिएक्शन रहता है, या घर पे क्या रिएक्शन रहता है, माहौल कैसा रहता है घर का? अच्छा। तो मैं इसके लिए आपको चार ऑप्शन दूंगी। ऑप्शन दीजिए। जी जी जी। पहला ऑप्शन, किचन से बर्तनों की बारिश की आवाज आती है। ओके। दूसरा ऑप्शन, खाने में नमक ज्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन, आपकी मैडम आपसे बात नहीं करती। और चौथा ऑप्शन, आपकी मैडम आपको बहुत प्यार से खाना परोसती है। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है ना, वो मैंने अपने पति के लिए पूछ लिया था। अच्छा। तो सर कौन सा ऑप्शन लॉक करूँ? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बहुत खुशी के साथ बताना पड़ा आपको कि आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, और आप जीतते हैं 1,00,000 रुपए। अपने दूसरे सवाल पे जी। ये भी थोड़ा सा पर्सनल है, मान जाइए ना। हाँ हाँ हाँ। क्यों हाँ हाँ करे, हर बार तो आप पर्सनली पूछ रही है, तो चलो ठीक है पूछ लीजिए। हाँ हाँ कर देते आपको, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है सर कि आप चाय कौन सा पीना पसंद करते हैं? अच्छा। ऑप्शन है आपके ब्लैक टी, ग्रीन टी। आपने जो ऑप्शन जो बी है, ग्रीन टी, ग्रीन टी, तो ग्रीन टी को लॉक किया जाए दीजिए। ग्रीन टी आप पीते हैं? जी। अच्छा, तो अभी समझ में आ रहा है कि उम्र आपकी रुकी क्यों है एक जगह पे, ग्रीन टी का असर है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा लगता है, क्योंकि जो मिल्क वाली चाय हमने कब कई कई सालों से बंद कर दी है हमने उसको। ठीक है, देखते हैं आपकी जो आंसर है वो सही है कि नहीं। चलिए बताइए हमें आपका, हमारा जवाब सही है गलत? कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। टेन टेन एंड टेन टेन, सही जवाब। ओ क्या बात है, ओ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,00,000 रुपए, देखिए आपकी तरह हम 1,000-2,000 में नहीं बढ़ते, 1,10,000। एक काम कीजिए, 2-4 सवाल और पूछ लीजिए। नहीं नहीं, बस मैंने सोचा है सर कि आपने मेरे सारे सवाल के सही जवाब दिए हैं, तो आपको मेरे हाथों का खाना खाना पड़ेगा। क्या बात करते हैं, और मैंने आपके लिए एकदम आपकी फेवरेट डिश बनाई है। रियली? सही में? तो बस यहाँ का शो करते हैं खत्म और चलते हैं घर पे। अरे चलिए जल्दी, मैं भी आता हूँ। ओके ओके ओके, चलिए। अच्छा ये आपने बनाया है? जी, स्पेशली आपके लिए। वाह। देवी और सज्जनों, कविता जी का काफी नाम हमने सुना है, यूट्यूब पर है, और बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन देवी और सज्जनों अभी आज मैं बताऊंगा खाने के बाद ये सही में अच्छा बनाती है, स्वादिष्ट भोजन है या नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अच्छा होगा तो बिल्कुल सही कहूँगा कि ये अच्छा है, और अगर खराब हुआ तो वहां से हम सीन कट कर देंगे। देवी और सज्जनों, अगर सीन कट होता है तो ध्यान रखिए, ये मैं दोबारा मेरी यूट्यूब पर डालने वाला हूँ।